राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। ट्रांजिशनल नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जेमा नूनू कुम्बा के नेतृत्व में दक्षिण सूडान के एक संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अमेज़न के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में समुद्री जागरूकता वॉकेथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टैंडअप इंडिया योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया 1.8 लाख से अधिक महिलाओं तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 40,600 करोड़ रुपए से अधिक राशि के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।